हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहत नईम और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल। और आज की इस वीडियो में हम बात ये क्या है? आपका डेथ सर्टिफिकेट। मैं जिंदा हूं। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप कागज में मर गई। मैं अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या करेंगे आप? ऐसी ही एक कहानी आजमगढ़ के लाल बिहारी की है, जिन्हें जीते जी मृत घोषित कर दिया था। ये बात इन्हें खुद तब पता चली जब 1976 में 20 साल के लाल बिहारी ने आजमगढ़ में बैंक से लोन लेने की एप्लीकेशन दी, जिसे बैंक ने डिनाई कर दिया इस ग्राउंड पर कि वे ऑफिशियली डेड हैं। इनकी कहानी दुनिया को तब पता चली जब 19 जुलाई 1999 में टाइम्स मैगजीन ने इनकी स्टोरी प्लाइट ऑफ लिविंग डेड छापी, जहां भारतीय किसान जिसके बेमान रिश्तेदारों ने उसको मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़प ली। अफसोस की बात यह है कि लाल बिहारी को 18 साल यही साबित करने में लग गए कि वह मरे नहीं हैं। इंडियन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इनकी चलती लड़ाई के दौरान इन्होंने अपने नाम के आगे मृतक लगा लिया। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने सबको ये बताने के लिए कि ये जिंदा हैं। 1989 में इलेक्शंस में राजीव गांधी के खिलाफ खड़े हुए, अपने बेमान रिश्तेदार के बेटे को किडनैप किया, जजेस को इंसल्ट किया, पर अपनी बीवी के लिए विडोज पेंशन तक डिमांड कर ली, पर हर बार या तो पुलिस की मार पड़ती थी या ऑफिशियल्स का वक्त ज़ाया करने की फटकार। अपनी इस लड़ाई में लाल बिहारी को अपने जैसे 100 से ज़्यादा और पीड़ित मिले, जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने मृत घोषित कर उनकी प्रॉपर्टी छीन ली। कई लोग इनमें इसी बात पर संतुष्ट थे कि उनके रिश्तेदारों ने उनको जिंदा छोड़ दिया, वरना प्रॉपर्टी तो वो मारकर भी ले सकते थे। लाल बिहारी ने इन सब लोगों के साथ उत्तर प्रदेश मृतक संघ बनाई। आजमगढ़ जैसी जगह जहाँ प्रॉपर्टी लोगों के इनकम का सोर्स है, आबादी बढ़ने से प्रॉपर्टी के दावेदार बढ़ते रहे और लैंड होल्डिंग्स और छोटी होती गईं। इस तरह के केसेस में पीड़ित अक्सर वो रिश्तेदार होते हैं जिनसे प्रॉपर्टी छीनना आसान होता है, बच्चे, बेवा या बूढ़े रिश्तेदार। बस लैंड रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल को रिश्वत देकर अपने रिश्तेदार को मृत घोषित कर उसकी प्रॉपर्टी हड़प लो। आपने कोई मर्डर भी नहीं किया, बट येट द पर्सन इज एज गुड एज डेड। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस न्यूज़ रिपोर्ट का सुओ मोटो नोटिस लेते हुए रिट पिटिशन एसोसिएशन ऑफ डेड पीपल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रजिस्टर की। चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ यूपी के सजेशन को मानते हुए आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रिपीटेड न्यूज़ लोकल हिंदी न्यूज़पेपर, लोकल रेडियो, टेलीविजन नेटवर्क पर अनाउंसमेंट कराई कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसी इंसान जो कि जिंदा है उसे मृत घोषित कर दिया है तो वह अपने गांव के प्रधान को जाकर बताए। 21 जुलाई 1999 से 5 जनवरी 2000 तक 90 केसेस रिकॉर्ड में आ गए थे, पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोर्ट को बताया कि ये केसेस सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, यानी ऐसे कई और केसेस हैं जो अभी तक रिकॉर्ड में आए ही नहीं हैं। इंडियन पिनल कोड फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस से डील करता है। फॉल्स एविडेंस आईपीसी के सेक्शन 191 में एक्सप्लेन है और इनकी पनिशमेंट सेक्शन 193 में बताई गई है। डिप्रिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज लाइवलीहुड अफेक्ट्स लाइफ which consequently affects the dignity of the individual, that in poverty he cannot defend his liberty and life. Court ne is baat ko mana ki ye case ek individual case nahi reh gaya hai. Court ke aadesh ke anusar ye matter ab National Human Rights Commission mein file honge under Protection of Human Rights Act of 1994. Allahabad High Court ki ye judgment 7 January 2000 ki hai. 2008 mein लाल बिहारी ने एक आरटीआई फाइल की, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 335 लोग जिन्हें डेड रिकॉर्ड में किया था रीइंस्टेट किया गया एज लिविंग इंडिविजुअल। लाल बिहारी के इन्हीं एफर्ट्स की वजह से ये इशू हाईलाइट हो सका और लोगों को उनका जिंदा होने का स्टेटस वापस मिल सका।
2003 में लाल बिहारी को एक नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया और 2021 में इन पर कागज नामक मूवी बनी जिसे स्टार पंकज त्रिपाठी ने किया था। इस तरह के हैरान करने वाले केसेस हमें समाज की सच्चाई और लीगल एनफोर्समेंट का तरीका समझाती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लीगल।